गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये न्यू एफ एफ लेके फंक्शन एफ एफ जिसका नाम है मैरिज बिटवीन टू रूथलेस माफियाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जो चाइना में है वहाँ दो नाम बहुत मशहूर हैं एज अ माफिया। एक है लांग वांग जी, जो कि बहुत ही डेंजरस, रूथलेस और हार्टलेस है, और दूसरी साइड पे हमें पता चलता है वेवुशियान, जो कि सेम उसी की तरह का ही, और दोनों ही एक बराबर डेंजरस हैं। इतने के उनको उनकी फैमिली तक कंट्रोल नहीं कर सकती, वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही ख़तरनाक, और उनके नाम से कई लोग डरते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनका डार्क हो रहा है। दोनों ही बहुत ही मतलब अपर लेवल के डेंजरस और रूथलेस है, और आज तक किसी ने भी उनका फेस नहीं देखा सिवाय उनके फैमिलीज के, और अगर किसी ने देखा भी है तो वो बोलते हैं कि जो दोनों माफियाज हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं है, अगर किसी ने गलती से देख लिया तो उन्होंने बताया है कि जो दोनों माफियाज हैं, जिसने जिसको देखा उसके बारे में उसने बताया कि वो दोनों हेवनली ब्यूटीफुल है और हॉट है और सम सेक्सी, हर चीज़ें वो हर तरह के हैं। अगर वो ब्लैक ना पहने, कहते हैं मतलब बिल्कुल भी बहुत ही कम लोगों ने देखे, और जैसे कि कहते हैं अगर वो ब्लैक ना पहने तो मतलब एक नॉर्मल आउटफिट पहनेंगे तो बहुत ही क्यूट और चार्मिंग लगेंगे, इस तरह का उनका ऑरा है बड़ा, और वो बहुत ही फेमस भी हैं। लेकिन उनका एक मसला है, वो किसी से लव नहीं कर सकते, और लव क्यों नहीं कर सकते तो हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं और हमें पता चल जाएगा। तो मुझे ये स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें पता चलता है कि जो हमारा लांग वांग जी है, जब उसका बर्थ हुआ था और उसके साथ ही एक और चाइल्ड का भी बर्थ हुआ था, तो वो वैसे तो उसका कज़न है, लेकिन मतलब कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो आपस में ब्रदर हैं, मतलब कि जो उनके फादर्स हैं ना वो आपस में सिबलिंग्स हैं, मतलब ब्रदर हैं वो दोनों आपस में, तो इस तरह से एक तरह से कज़न ब्रदर हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक दूसरे को देखा नहीं है। ठीक है, तो अब हमें पता चलता है जो हमारा लांग वांग जी है वो एक्चुअली पहले से ही एंगेज है, जब से उसका बर्थ हुआ तब से ही एंगेज्ड है अपने फादर के बेस्ट फ्रेंड के सन से, जो उससे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने छोटा है। ठीक है, तो 3 महीने ही छोटा है और उससे एंगेज है, और उनकी फैमिलीज ने उनको बचपन से सिखाया है कि अगर प्यार करना है तो सिर्फ जो उसका फ्यूचर हस्बैंड है उससे करना, जो उसका ऑलरेडी फियांसे है। और हमें दूसरी साइड में पता चलता है जो हमारा सेकंड माफिया है, रूथलेस माफिया, वो भी उसकी भी सेम यही प्रॉब्लम है कि वो भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी अपने बर्थ से इंगेज है बड़ा किसी के साथ, लेकिन उसने भी आज तक उसको नहीं देखा क्योंकि दोनों आपस में मिले नहीं। और जी हाँ गाइस, आपको आइडिया तो हो चुका होगा कि जो हमारे वांगशन है यही आपस में इंगेज्ड हैं, तो आपस में ये एक दूसरे को जानते तो नहीं है, लेकिन आज तक मिले भी नहीं है, और अगर मिले हैं तो इनकाउंटर हुआ इनका बस ऐसे आई कॉन्टैक्ट हल्का सा, क्योंकि माफिया है तो उसमें तो इतना सा तो चलता है, तो ज़्यादा तो इनको आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं पता, और इनको बताया गया कि किसी से ये प्यार नहीं कर सकते, ना ही अपना दिल लगा सकते, अगर इनको कुछ करना भी है तो इनको उस अगर इनको ऐसा फील हो कि ये किसी से प्यार करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो फिर ये अपने पेरेंट्स को बोल दें कि ये अब मैरिज करना चाहते हैं तो इनकी मैरिज हो जाएगी, वरना जो इनकी जो मैरिज एज फिक्स की हुई है उसी पर इनकी मैरिज हो चुकी है, इनकी 24 ईयर्स दोनों की, और अभी ये है 23 ईयर्स के, मतलब एक साल अभी भी रहता है, तो हम देखते हैं कि एक साल में इनकी शादी हो जाएगी या फिर अभी ये चलेंगे या खुद ही एक दूसरे को ढूंढेंगे और क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होते हुए हमें पता चलता है ये एक डार्क, बहुत ही डार्क विला है, मतलब उसकी पेंटिंग्स भी, उसके पेंट्स भी, मतलब हर चीज़ उसका वो फुली ब्लैक है, और वहाँ पे एक बहुत ही जोर की गनशॉट की आवाज़ आई है, और हमें पता चला है कि वहाँ हमारे जो हमारा फर्स्ट माफिया है उसको आया हुआ है गुस्सा, जो कि हमारे लांग वांग जी, उसने अपने एक गार्ड को मार दी क्योंकि उससे उसकी एक गलती हो गई थी, और हमें पता चलता है दूसरी साइड पे हमारा जो वेवुशियान है उसका भी सेम यही हाल है, वैसे सोलमेट्स है तो ऐसा तो बनता है। तो बाकी अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैंने अभी और भी रिकॉर्डिंग्स की हैं, तो
मैं अभी तो उनको अपलोड करने वाली, तो ये पार्ट छोटा है। नेक्स्ट पार्ट, गाइस आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि मैं इसकी स्टोरी किस तरह की बनाऊं, तो जैसे आप सजेस्ट करेंगे मैं उस तरह की बनाऊंगी, और आप होप आपको अच्छा लगे। और वैसे मुझे ना काफ़ी फनी और मज़ेदार कमेंट्स आते हैं। एक्चुअली गाइस मैं स्टार्टिंग में तेज़ बोल रही थी, अब मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, तो होप आपको ठीक लगे। तो तब तक आप ज़्यादा बकवास होंगे, तो टाटा बाय बाय।